नांदेड़ के महकमे पुलिस में मोटर व्हीकल ड्राइवर सैयद जहीर अहमद की होनहार और खुशकिस्मत दुख्तर सैयद असमा ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC के गुज़िश्ता 2019 में मुनक़िद इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की है। वो रियासती महकमे के महकमे सेल्स टैक्स कमीशन में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ग्रुप ए के ओहदे पर मुकर्रर की गई। नांदेड़ की दुख्तर सैयद असमा बिनते सैयद जहीर अहमद को मुबारकबाद पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। आज भी सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहराबाग और सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागार्जुना नांदेड़ के मौलिम व मौलिमा सेक्रेटरी व हेडमास्टर्स ने सैयद असमा बिनते सैयद जहीर अहमद की रिहाइशगाह पहुंचकर इस होनहार तालिबा और उनके वालिद मोहतरम का शाल और फूल के हार पेश करते हुए पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल और सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल के सेक्रेटरी सिद्दी अतीक अहमद, गुलशन अफान के मुदिर आला सिद्दी रेहान अहमद, सूर्या उर्दू स्कूल की हेडमास्टर रिजवाना बेगम, एडवोकेट अमित डोई फोड़े, एडवोकेट नितिन कागने, मोहम्मद मारूफ, शेख समीर के अलावा सफ़ा उर्दू प्राइमरी और सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल के तमाम स्टाफ के जिम्मेदारान मौजूद थे। इस लड़की की कामयाबी से मिल्लत इस्लामिया के नौजवान लड़कों और लड़कियों को हौसला हासिल करके तालीमी मैदान में तरक्की करने की यकीनन ख्वाहिश पैदा होंगी। एग्जामिनेशन में इस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के लिए मुकर्रर हुई है और मैं ये अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरी जो इब्तदाई तालीम थी जमात अव्वल से जमात हफ्तम तक सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल में हुई और वहीं मेरा बेस कंप्लीट हुआ और जो भी डिसिप्लिन था और पढ़ने की एक लगन थी वहीं से शुरुआत हुई। हम मेरे जो असातिज़ा थे और सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल के और अतीफ़ सर और सीमा बाजी जमशाद बाजी उस वक्त हुआ करते थे उनकी जो भी उन्होंने डिसिप्लिन दिया वो एक मेरे शख्सियत का एक हिस्सा बन गई और मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ और साथ ही तमाम अभी सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल की सारी टीम और सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल की सारी टीम यहाँ आई थी और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई। लड़कियों के लिए जो बेस होता है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है मैडम। कोई भी चीज़ के अंदर अगर बेस मजबूत है तो इमारत मजबूत बनती है, ऐसा कहा जाता है। तो जो आपकी बुनियादी जो तालीम हुई उसके बारे में कुछ ऐसा साथ है आपकी? जी, बुनियादी तालीम का मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने उर्दू मीडियम से अपनी तालीम की शुरुआत की थी और उस वक्त मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ हैं उन्हें लड़कियाँ हों या लड़के हों जो भी उन्हें अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करनी चाहिए और ये एक मैसेज है कि आजकल बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन उर्दू मीडियम से अगर आप अपनी मादरी ज़ुबान में अपना बेस पक्का करें तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है आपके फ्यूचर के लिए। उसमें आपका बेस पक्का होता है, आप अपने सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी मादरी ज़ुबान में तालीम और वो मुझे अपनी प्राइमरी तालीम मिली और शायद इसी वो एक बहुत अहम रोल अदा किया उसने मेरी सक्सेस में। वो लड़कियाँ जो आगे पढ़ नहीं सकती और कुछ वजूहत अपनी गुर्बत को भी देती है
आपको लगता है क्या गुरबत लड़कियों की तालीम के आगे कुछ अर्थरा डालती है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि गुरबत हो या फिर आपका पसमानदगी हो या फिर आप किसी ऐसे हिस्से में रह रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स या बड़े बड़े स्कूल्स नहीं हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। आजकल तो ऑनलाइन सोर्सेज का ज़माना है, साथ ही में हमारे दूर दूर तक बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो जो गुरबत को रुकावट नहीं बनने देती, स्कॉलरशिप्स हैं बहुत सारी और वो आपको फेलोशिप भी मुहैया करते हैं, तो इन सब की वजह से गरीबी बिल्कुल भी आजकल के ज़माने में बिल्कुल रुकावट नहीं है किसी की भी कामयाबी में। काफ़ी सवाल, बच्चियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती जो आगे पढ़ना चाहती हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बिल्कुल आप पढ़िए, अपने वालिदैन को अपनी जो आपकी ख्वाहिश है उसका इजहार कीजिए, और मैं अपने और जो सारे वालिदैन हैं उन्हें भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपकी लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं तो प्लीज़ उन्हें मज़हब के नाम पे या फिर समाज के नाम पर पीछे मत कीजिए, क्योंकि हमारा इस्लाम बिल्कुल भी ये तरगीब नहीं देता कि अपनी लड़कियों को मत पढ़ाइए, जबकि बहुत ज़्यादा हमारे इस्लाम में लड़कियों को तालीम के लिए कहा गया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारी जो भी हदीसें हैं उनकी तरफ से। तो बिल्कुल प्लीज़ अगर आप ख्वाहिश हैं आपको पढ़ने की तो आप आगे आइए, बहुत सारे लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, बस आपको कहना है कि आप पढ़ना चाहते हैं। हाँ जी, मैं सैयद ज़हीर अहमद सैयद आसमां के वालिद बोल रहा हूँ। हमारी चारों बेटियाँ हैं और ये सैयद आसमां का तो आपके सामने है सब, और उससे छोटी और एक छोटी लड़की है सैयद आसमां से छोटी है निदा आयशा, अभी वो मेडिकल MBBS कर रही है औरंगाबाद में, और उससे छोटी है तो वो 12th साइंस जीनियस बैच यशवंत कॉलेज में है, और एक उससे सबसे छोटी है तो 6th में है कैम्ब्रिज में पढ़ रही है। ये पहले तीन लड़कियां जो है सो सफ़ा प्राइमरी उर्दू स्कूल से 7वीं जमात तक पढ़े हैं, उनका बेसिक एजुकेशन वहीं हुआ है, बहुत ही डिसिप्लिन और स्कूल रहा है वो हमारे बच्चों के लिए, और हमारे एक मिसाल भी कायम की है। अगर काश अगर वो मैट्रिक तक होता तो हम वहीं पर उन्हें तालीम देते, वहाँ के अस्ताज़ा और ख़ास तौर पे वहाँ के मैनेजमेंट और सेक्रेटरी सर जो अतीक सर है, बहुत ही डिसिप्लिन होने की वजह से बच्चों में इनको अच्छी तरक्की मिली और आगे के स्कूलों में भी उन्होंने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, और मुझे खुशी है आज वो यहाँ आकर जो है सो बच्चों की से और हम पूरे फैमिली का इस्तकबाल किए उनके सफ़ा उर्दू स्कूल की ओर से, और उनकी जो ब्रांच है सूर्या प्राइमरी उर्दू स्कूल, और हमें बहुत खुशी है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि सफ़ा उर्दू स्कूल की जो हमारे बच्चों ने भी की तालीम जो बेसिक तालीम मजबूत हुई, तमाम जो है सो आतराफ के लोग जो है सो वहाँ उन्हें एडमिशन दिला के अपने भी बच्चों की जो है सो तरबियत अच्छी करें। मैं सैयद आसमा की वालिदा हूँ, और मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं मुझे इस ऐसा मेरी लड़की ने एक मौका दी है, और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे लड़कियों से नवाजा है, और मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो भी मेरी लड़की हम सब की आकर जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, इससे बहुत मुझे खुशी हो रही है और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं ये इन लड़कियों की वालिदा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, मैं हमारा नाम रिजवाना अंजुम है, हम सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल के हेडमिस्ट्रेस है। आज यहाँ पर हम सैयदा आसमा की कुलपोशी के ज़िम्मे में आए हैं जिन्होंने MPSC के एग्ज़ाम में नुमाया कामयाबी हासिल की, और हमारा स्कूल सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल में इन्होंने इब्तदाई अपनी तालीम हासिल की, उसी लिए हम इनका यहाँ पर गुलपोशी करने आए हैं, और काफ़ी इन्होंने अच्छी मेहनत की और हमारे स्कूल में इन्होंने अव्वल से लेकर हफ्तम तक सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की, और काफ़ी इनकी मेहनत है और स्कूल के तमाम असातिज़ा ने भी काफ़ी इनके साथ मेहनत किया है, जिसका ये आज रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है। और बहुत बड़ी बात है, हमारी लड़कियों के लिए आइंदा मिसाल है, हमारे स्कूल की हर लड़की के लिए हम दुआ करते हैं कि ऐसी ही कामयाबी उनके कदम चूमें।